शंकर मंदिर के मुमरेश्वर मंदिर का ट्रस्ट आरोपों के घेरे में, स्थानीय लोगों ने लगाए कई आरोप। वहीं पार्किंग और सब्जी तरकारी के धंधे के चलते 16 मई रात हुआ यह जबरदस्त झगड़ा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। मुमरा में शंकर मंदिर इलाका सभी जानते हैं, शंकर मंदिर नाका है, यहीं पर मुमरेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। अंदर एक बड़ा मंदिर है और इस मंदिर ट्रस्ट की काफी जमीन भी है। फिलहाल ये जमीन पार्किंग और अन्य कामों के इस्तेमाल में आ रही है। इसी में एक रितेश नामक युवक है, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के यहाँ पर पार्किंग का व्यवसाय करता है। उसके मुताबिक और कुछ लोगों के मुताबिक ट्रस्ट ने उसे ये जगह पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी है। दूसरी तरफ दिनेश चिकले करके हैं, गणेश मूर्तियां बनाने का इनका एक पंडाल है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पर प्याज, आलू, सब्जी, तरकारी आदि जो है होलसेल के भाव में फुटकर व्यापारियों को देने का काम यहाँ पर से किया जाता है। 16 मई को रात में यहाँ पर एक झगड़ा हुआ, प्रवेश द्वार बंद था, अंदर आने को लेकर के ये झगड़ा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। किस तरह से ये झगड़ा हुआ उसके 16 मई रात के वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। शराब की, बियर की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई, एक दूसरे पर तोड़ी गई, एक दूसरे को जमीन पर पटक करके मारपीट की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाए जो हम आपको बता रहे हैं। फिर 16 मई को हमने इन स्थानीय निवासियों से जाकर के वहां पर बातचीत की, तो उन्होंने क्या अपनी शिकायतें रखी, ट्रस्ट और पुलिस, मनपा प्रशासन, इन सबसे क्या अपील की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जो पार्किंग का व्यवसाय संभालने वाला रितेश और मूर्ति के मंडप में सब्जी तरकारी होलसेल में बेचने वाले दिनेश चिकले, इन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। अरे ए अंडा है, अंडा वीडियो बना, बना वीडियो बना, अंदर ले फोन, अंदर ले वीडियो बना, बना वीडियो। अब ले ले फोन, फोन ले, अंदर ले छुट्टी, मार देगा हाथ, लेके चल देगा फोन। पूरा इतना घान किया है ना चिकले ने। हाँ ले ले फोटो, ले फोटो, ले वीडियो बनाना, पोपो वीडियो बनाना, बाहर निकल, बाहर निकल के बना, उधर बना। अरे हम लोग पे लग जाएगा बियर, बियर की बोतल, क्या जरूरत है वीडियो वीडियो बनाने की, फट्टे में टांग डाल देता है। बनाना वहाँ से बड़ा बना वीडियो, हाँ वीडियो बना, हट कुछ नहीं, अंदर चल, बंद कर, इतना नींद तोड़ दी तो जोड़। रितेश, तुम यहाँ शंकर मंदिर, मुमरेश्वर मंदिर, ये जो ट्रस्ट है इसके मैदान में पार्किंग का काम संभालते हो, ट्रस्ट की तरफ से ये काम तुमको दिया गया है। कल 16 मई को यहाँ पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ, बियर और शराब की बोतलें एक दूसरे को फेंक करके मारी गई। बताया जा रहा है कि दरवाजा लॉक किया गया था और ऊपर जो ये करीब में खड़े हैं चेतन चिकले, इनका जो सब्जी का गोदाम है वहाँ पर, कांदा बटाटा सब्जी वगैरह का, वहाँ पर जो कस्टमर खरीदने आते हैं तो वो गेट न खोलने की वजह से उनके दो गुटों के बीच में कुछ ये झगड़ा हुआ, जिसमें एक आपका पार्किंग संभालने वाला भी कोई वॉचमैन या जो भी था उसमें शामिल था। तो क्या सच्चाई है पूरी और क्या पूरा मामला था ये? रात के 2 बजे की बात थी, पार्किंग वाला एक बंदा था, वो गेट लॉक था, बाहर के कोई 8-10 लड़के आए थे, बोले दरवाजा खोलो घर के, वो पार्किंग वाला बंदा बोला दरवाजा खुलेगा नहीं, उसके ऊपर से मारपीट हो गई, वो लड़के को मार रहे थे, तो उसके वजह से वो मारपीट बढ़ती गई। नहीं, यहाँ के जैसे स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उसमें घरों तक जो है बोतल के टुकड़े और कांच जो है उड़ उड़ के घर में गया है, घरों में सीनियर सिटीजन है, उनको लगने का खतरा था, तो स्थानीय लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो उस पर क्या मतलब आप लोग रोकथाम करेंगे? हम लोग तो स्थानीय वाले को कभी तकलीफ भी नहीं देते हैं, हाँ। उनको कुछ के भी लेना कभी भी, हाँ। हम लोग के खाली पार्किंग संभालते हैं, हम लोग इधर देख रेख करते रहते हैं। अच्छा चेतन, क्या बताओगे तुम, ये तुम्हारे गोदाम पे गाड़ियां आ रही है सब्जी तरकारी कांदा बटाटा वगैरह जो भी तुम्हारे यहाँ से होलसेल में सप्लाई हो रहा है,
तो यहाँ पर आए हुए माल खरीदने वाले दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ ऐसा बताया जा रहा है, और उसमें इनके एक पार्किंग का भी बंदा था, क्या सच्चाई है इसमें? अभी म्यूनसिपलिटी ने रात का टाइम दिया है 3 बजे से 12 बजे तक। हाँ, तो रात के टाइम कस्टमर आते हैं, तो अभी कस्टमर आए, मतलब कस्टमर अंदर आए हुए थे। हाँ, तो जाते टाइम गेट मतलब खुल रहे नहीं थे, तो गेट बंद किया था। हाँ, तो जाते टाइम उन लोग का कुछ बातचीत हो गया, मतलब बात करते हुए उन लोग का बहस हो गया। नहीं, अभी टाइमिंग आप 3 से 12 बता रहे हो म्यूनसिपालिटी के हिसाब से, ये झगड़ा तो 2:15 बजे हुआ है। हाँ, 2:15 बजे हो गया, लेकिन वो अंदर आ चुके थे, वो अपना माल का गाड़ी आता है। हाँ, तो वो गाड़ी खाली करने के टाइम वो आए थे, तभी गेट खुला था, वो टाइम पे आ गए अंदर। अच्छा, अभी वो माल लेने के लिए आए क्या, कोई चीज़ के लिए आए हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा, अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप यहाँ से कारोबार कर रहे हैं, रितेश यहाँ पर जो है पार्किंग संभाल रहे, तो स्थानीय लोगों को इन तमाम चीज़ों से, तमाम बातों से, या ऐसे झगड़े न हो, उनको कोई परेशानी न हो, उनमें से किसी के परिवार के सदस्य को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए क्या सावधानी बरतोगे आप लोग? नहीं, अभी ये जैसे कि शराब पी रहे हैं यहाँ बैठ करके, फिर लड़ रहे हैं माल खरीदने के नाम पर आकर के, यहाँ नशा कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ जो है बोतल एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। इधर के नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं, ठीक है, लोकल लोग कोई भी नहीं है उसमें? हाँ, लोकल लोग कोई नहीं है, पार्किंग का आपका जो है वॉचमैन छोड़ करके लोकल कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके धंधे की आड़ में या पार्किंग की आड़ में इस तरीके के दूसरे गुट उसका फायदा उठाए, तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय योजना करोगे, क्या खबरदारी बरतोगे? जो है गेट, हम लोग का जो कस्टमर आएगा, तो हम लोग का गेट का एक चाबी रख लेंगे हम लोग के पास, तो हमारा जो कस्टमर आएगा हम लोग गेट खोलेंगे और अंदर गाड़ी ले लेंगे। अच्छा रितेश, एक बात तुमसे ये पूछनी थी, हमने कुछ गाड़ियों का मुआयना किया इधर, कई सारी रिक्शाओं में शराब की, बियर की बोतलें पड़ी हुई है, और ऐसा कई निवासियों ने, कई लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर ये गंजड़ी, चरसी और शराबियों का अड्डा बना हुआ है। लॉकडाउन का ही पीरियड नहीं, उससे पहले भी यहाँ पर पार्किंग के स्लॉट में आकर के ये लोग यहाँ पर बैठ करके शराब वगैरह का और दूसरी चीज़ों का नशा करते हैं, तो ये क्यों होने देते हो आप? अरे इधर अभी बहुत सारे कहाँ से लोग आके बैठे, अभी इधर रिक्शा कम से कम 15-20 साल से भी पड़ी हुई है, अभी तक लोगों कोई लेके नहीं गए। हाँ, कुछ ना कुछ कचरा बिचरा बाटले विटले लोग डालते जाते। अच्छा, तो लोग बैठ के पीते नहीं है यहाँ पर, डाल के जाते हैं? कोई अभी किधर किधर से आता है उसमें रिक्शा भी सब पड़ी हुई है अभी 15-15, 10-10 साल से, लेकिन उसमें सब डाल के चले जाते कचरे के हिसाब से। मतलब कोई पीता नहीं है यहाँ पर? नहीं, स्थानीय लोगों का ये जो आरोप है कि यहाँ नशेड़ी आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, नशा करते हैं, शराबी भी आते हैं, शराब पीते हैं, तो ये बात झूठ है? बात झूठ नहीं, अभी पूरे मुमरा में सब नशा करते, खाली शंकर मंदिर में, सब जगह नशेड़ी लोग है, खाली शंकर मंदिर में थोड़ी है, सब नहीं, बात देखो शंकर मंदिर की ठीक है, शंकर मंदिर की इकलौती बात नहीं है, पूरे मुमरा कौसा में नशा आम है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब रिक्शाओं में बैठ करके शराब पी जा रही है, उसकी वजह से फिर ये झगड़े हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ। कोई दारू नहीं पीता ऐसा रोड पे भी, अभी कितने जन आके सिगरेट दारू वीरू पीते चलते रहते। अच्छा, अब अपन कितने जन से दुश्मनी लेने का? अच्छा, मतलब यहाँ होता है लेकिन दुश्मनी नहीं ले सकते। ये कल रात में यहाँ पर काफ़ी झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, शराब की बियर की बोतलें जो है एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए मारामारी हुई है, एक दूसरे को पकड़ना पटकना, ऐसे कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं। तो शंकर मंदिर, ये मुमरेश्वर मंदिर, ये तमाम जो परिसर है, तो यहाँ पर ये रात में 16 मई का झगड़ा बताया जा रहा है, क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं आप, यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं, और ये क्या झगड़ा था, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, अभी हम लोग को यहाँ पे रहते थे, अभी 40 साल के ऊपर हो गए इस एरिया में, तो अभी 20-22 साल हो गए, लेकिन जब से आए तब से हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लगातार अभी ये 2-4 सालों से, अभी ये जो हमारी ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ पे पूरा, मतलब आपने देखा होगा सब कैसे माहौल बना रखा है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिन ब दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे लोग, पी के रस्ते पर झगड़ा कर रहे हैं। अभी कल रात में पता नहीं, वो लोग आपस में ही कुछ हुआ, सुबह तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है, तो अभी किसी को कांच लग सकता था, यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक है, किसी को कुछ हो सकता था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसके पहले अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पे एक गोडाउन खुला है, वो गणपति की मूर्तियों के बनाने के लिए खुला था, लेकिन उसमें धंधे सब अलग ही हो रहे, दुनिया भर के कांदे बटाटे भाजी पाला ये वो ठीक है कर रहे हैं, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा था कि आप जो है ना रश कम करो, लेकिन सुबह 5 बजे आप आइए, रात भर देखिए बड़े बड़े ट्रक्स टेम्पो दिन भर ये रोड पे चलते, कोई हमको ताला लगाने नहीं देता गेट पे, क्यों? क्योंकि इनकी गाड़ियाँ आ रही है,
और हम अगर बोलने जाते हैं तो हमको उल्टी सुलटी वो लोग सुनाते हैं कि रोड पे मत आओ, आपका रोड है तो हम रहे का। आप देखो यहाँ पे एक खड़े कहीं रहने की जगह नहीं है, घर में पत्रे हम लोग के इतने नीचे, गर्मी कितनी होती है, गर्मी का मौसम में आदमी बाहर आता है 2 मिनट तो इनकी भीड़ लगी रहती है। तो ये तो सब लोगों ने कंप्लेंट भी डाला था, पता नहीं म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं 2 मिनट उनसे मिलते हैं क्या बात करते हैं वही जानते हैं, लेकिन जैसे थे वैसे ही चल रहे, खाली अभी दिन में भीड़ कम है लेकिन रात भर भीड़ लगी रहती है। अच्छा, ट्रस्टियों से आप लोगों ने ये सारी शिकायतें की या सारी तकलीफें बताई? क्या कहा मालूम है, ये लोग जितना हमको पैसा देते हैं ना उतना पैसा आप हम लोग हमको दे दो, आप लोग मतलब मिलकर सारे, तो हम ये बंद कराएंगे। ये सेंटेंस ट्रस्टी ने मुझे खुद बोला है फोन पर, मतलब यहाँ के ये जितने भी परिवार रहते हैं ये सब मिल करके उन्हें उतना पैसा दे दे जो ये पार्किंग के और दूसरे धंधों से मिल रहा है। तो ये सब है, तो ये सब बंद होना चाहिए कहीं पर, क्योंकि क्या है पुलिस स्टेशन में जाके कहीं जाके कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है, सब आके पैसा लेकर चले जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सांपले भी 2-3 दिन आए पुलिस अधिकारी, पता नहीं क्या कार्रवाई, चल तो चल ही रहा है सब। और एक इसकी वजह से गेट भी नहीं बंद कर सकते और रात भर गाड़ियां चलती है। देखिए आप जरा सोने के लिए जाते हैं ना, दिन भर गाड़ियों का आवाज, रात भर गाड़ियों का शोर, और पता नहीं कहां कहां से गर्दी भीड़ यहां पे जमा हो जाती। अच्छा, ये रात में जो झगड़ा हुआ इतना बड़ा, तो इसमें कुछ पुलिस कार्रवाई हुई, कोई जानकारी है आपके पास इसके बारे में? थी लेकिन पता नहीं उससे कुछ बात नहीं बोले वो, उसने तो बोला हमारा कुछ उससे लेन देन नहीं है। लेकिन जो लड़के आए थे ना यहाँ पे सब्जी लेने आए थे। अच्छा, वो बाहर के लड़के थे, यहाँ के नहीं थे? बाहर के थे। अच्छा, जिनके साथ मारपीट हुई, बाकी तो ज्यादा डिटेल्स यही है। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप, पुलिस विभाग और मनपा से क्या अपील करेंगे आप, ये तमाम तरह की चीजें हैं, और ट्रस्टियों से भी क्या अपील करेंगे आप? ट्रस्टी देखो यहाँ पे मनपा भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय ट्रस्टी के। अच्छा। ट्रस्टी ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सब लोग, आप ट्रस्टी बने हो ना, या तो इस्तीफा दे दो या तो पूरी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। ठीक है, आपको करना है पार्किंग रखो, आप कुछ भी करो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं होना है। आए छूट मारपीट या यहाँ पे दारू पी, वहाँ पे शराब, झगड़ा, ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, पेड़ की छाया है कोई बैठता, अभी तो लॉकडाउन है कोई नहीं है उतना, लेकिन ये सब यहाँ पे रुकना चाहिए कहीं पर। तो जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वही काम कीजिए आप।